हेलो लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने मंगाए हैं अजियो से बहुत सारे मेरे बेबी के लिए कपड़े, तो मैं आप लोगों के साथ इसकी अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ, और अनबॉक्सिंग नहीं, अनपैकिंग बोल सकते हैं इसको। तो ये करने वाली हूँ और बताने वाली हूँ, इसका फीडबैक देने वाली हूँ आपको, रिव्यू देने वाली हूँ कि कपड़े कैसे आते हैं कैसे नहीं। तो ये जो वीडियो है दो पार्ट में आएगा, तो ये क्योंकि ये आधे हैं, आधे मैं अगले वीडियो में बताऊंगी आपको। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड, और दिखाती हूँ मैंने क्या क्या मंगाया है। तो सबसे पहला जो पैकेज है वो एक टी शर्ट का है, तो टी शर्ट मैंने मंगाया है एक, और ये टी शर्ट क्वालिटी तो बहुत अच्छी है इसकी। और ये जो है, सारी जो चीजें हैं सारे 500 के नीचे के सामान है, मतलब कोई भी चीज 500 से ऊपर की नहीं है। तो सबसे पहले जो टी शर्ट है वो ये है, इसकी क्वालिटी 100% कॉटन है, अच्छी क्वालिटी है, तो मैं इसे बहुत अच्छी लग रहा है। मुझे कितने का पड़ा है वो भी आपको मैं दिखा दूंगी। इसकी क्वालिटी 10/10 मैं इसको नंबर दूंगी, तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी। चीज की हम अनपैकिंग करते हैं, इसमें क्या है पता तो चलेगी। बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट रहती है, कोई भी पार्सल आता है तो बस उसको ओपन करने की सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट रहती है। तो इसके अंदर भी ओके, पैकिंग तो अजियो वालों का मानना पड़ेगा, बहुत अच्छे से पैकिंग करते हैं। मतलब एक नॉर्मल सी टी शर्ट का भी पैकिंग देखो पहले वन लोग। अच्छा ओके, ये मैंने एक टी शर्ट मंगाया था फुल स्लीव का, क्योंकि अभी रेनी सीजन आने वाला है तो बच्चे को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, तो एक फुल स्लीव का मैंने बनाया। सारा जो पहले मेरे बेबी का था वो सब छोटा हो गया, तो अभी तो ये भी अच्छा है, मतलब अच्छी क्वालिटी का तो बहुत अच्छा है। ये भी 100 रुपीज का कम का ही था, मैं आपको फिर भी मेंशन कर दूंगी मैंने कितने का लिया है। तो ये भी बहुत ही प्यारा है, तो ये भी मुझे अच्छा लगा, इसका भी 10/10। अभी के टाइम पे अजियो पे मैं एक चीज नोटिस करती हूँ कि जब भी ये वाला टाइम आता है, ये वाला जो मिड सीजन आता है, इसमें ठंडियों के कपड़े बहुत ज्यादा सस्ते हो जाते हैं, तो मैं मंगा लेती हूँ, देखते हैं कैसा निकलेगा क्या है। क्योंकि बाद में बच्चों के कपड़े तो इतने महंगे आते हैं, ऊपर से बच्चे जो होते हैं कभी अचानक से बढ़ जाते हैं, छोटे बड़े हो जाते हैं, तो कपड़े बहुत ज्यादा महंगे लो और वो ना पहने तो बड़ा बुरा सा लगता है। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं इस पार्सल में क्या है अजियो की। लेकिन मैं ये चीज़ तो मानती हूँ कि क्वालिटी बहुत अच्छी है, कभी कभी जो चीज़ें हैं अच्छी नहीं आती है, तो वो चीज़ तो डिपेंड करता है कि आप क्या मंगा रहे हो। कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैंने चीज़ें मंगाई हैं और वो चीज़ें अच्छी नहीं आई हैं, या तो वो यूज आती हैं, कभी कभी बहुत रेयर ऐसा होता है, मतलब 100 में 2-3 बार। ओके, तो ये एक हुडी है, हुडी मैंने मंगाया था, ये भी मतलब अच्छा लग रहा है, नॉट बैड। बाकी तो इसको धोने के बाद पता चलेगा कि इसके वो जो रोंगटे हैं वो निकलते हैं या नहीं। तो ये मैंने थोड़ा पतला सा एक हुडी मंगा लिया है, क्योंकि बरसात में थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता है, तो उस टाइम पे थोड़ी पतली सी हुडी बच्चे को पहना के रखेंगे तो बच्चे को वायरल नहीं होगा। इसके लिए मैंने थोड़ी सी तैयारी पहले ही कर ली है, क्योंकि बरसात आने वाला है। तो ये भी हुडी है, मैं मेंशन कर दूंगी कि मैं कितने का लिया है, मैंने इसको मैं 9 दूंगी। एक पॉइंट में इसके लिए घटा रही, क्योंकि मुझे ऐसा थोड़ा सा डाउट है कि इसके थोड़े रोंगटे निकल सकते हैं, थोड़ा सा डाउट है, बाकी तो अच्छा है, ये भी अच्छा है। ये एक बड़ा सा पार्सल है, इसके अंदर मुझे पता है 3 से 4 चीजें हैं। अब देखते हैं इसमें चीजें कैसी निकलती हैं। ओह माय गॉड, ओके, तो पहली ओके, ये भी एक हुडी है। हुडी एक्चुअली मैंने बहुत सारी मंगाई, क्योंकि अभी ठंड भी आ जाएंगी, तो ठंड में हुडीज बच्चों के बहुत जल्दी चेंज करो तो सूखते नहीं है, और अभी इस टाइम पे हुडीज बहुत ज्यादा मुझे दिखा कि अजियो पे काफी अच्छे रीजनल प्राइस पे दे रहे हैं, तो मैंने ले लिए हैं। तो एक ये हुडी लिया, वाओ कितना प्यारा लग रहा है ये, है ना। बच्चों पे ना एक्चुअली मुझे मल्टी कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, लड़का हो लड़की हो, मतलब मल्टी कलर बच्चे पहनते हैं ना तो मुझे बड़े क्यूट से लगते हैं। बच्चे नहीं पहनेंगे तो हम लोग ऐसे कपड़े पहनेंगे तो बड़े फंकी से लगेंगे, लेकिन बच्चों पे ऐसे कलर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, ये भी 10/10 है, ये बहुत अच्छा है। ये उतना मोटा नहीं है, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है तो ये उतनी ठंडी को नहीं रोक पाएगा, लेकिन दिल्ली वगैरह की ठंड ये नहीं सह पाएगा। दिल्ली में तो मतलब ये तो कुछ नहीं है, तो ठंड रोक ही नहीं पाएगा। तो नॉर्मल जहां कम ठंडी पड़ती है वहां पे आप इसको पहना सकते हैं, तो ये भी अच्छा है। अच्छा, मैं इसको 10/10 दूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ही प्यारा लगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है वो है ओके, नेक्स्ट जो चीज है वो है एक टी शर्ट, हुडी वाली टी शर्ट।
जैसे मैंने बताया मैं तैयारी कर रही हूँ आने वाले ओके इस पे कार वगैरह है अच्छी है ये भी प्यारी है कॉटन टी शर्ट है ये नॉर्मल और एक हुडी लगा हुआ है इसके पीछे मुझे ये टी शर्ट्स भी बहुत अच्छे लगते हैं तो ये भी अच्छा है मैंने ये वैसे तो मेरा बेबी 19-20 मंथ का है पर मैंने जो एज मंगाया है वो 3-4 ईयर्स का मंगाया है क्योंकि बच्चों के साइज थोड़े से मैं बड़े ही मंगाती हूँ पिछले साल ठंड में मेरा बच्चा पहन रहा था 24 मंथ के कपड़े तो उसके अकॉर्डिंगली ये कपड़े उसको अभी थोड़े से ढीले आएंगे पर धीरे धीरे फिट हो जाएंगे तो ये भी अभी अच्छे ही लगेंगे इसका भी क्वालिटी बहुत अच्छा है 10/10 है बाकी धोने के बाद अगर इसका कपड़ा का रंग निकलता है नहीं निकलता ये तो धोने के बाद पता चलेगा तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना मैं धोने के बाद भी इसका रिव्यू आपको बताऊंगी कि कैसा निकला कपड़ा का रंग निकला या नहीं निकला ओके तो नेक्स्ट जो चीज है वो ओके अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतना हुडी क्यों मंगा रही हूँ क्योंकि इतना रीजनेबल प्राइस था कि मैं रोक ही नहीं पाई मैंने सोचा कि चलो मंगा ही लेते हैं ओके देखो तो एक कपड़ा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि थोड़ा सा मुझे लग रहा है जैसे किसी ने यूज किया हुआ या कुछ ऐसा तो कुछ लग रहा है पर हो सकता है इसका प्रिंट ही है शायद ऐसा अलग सा थोड़ा पुराना टाइप प्रिंट ऐसा ही होगा ये थोड़ा सा इसका वो जो प्रेस है वो थोड़ा खराब हो गया में तो भाई अजियो को दाद देनी पड़ेगी मतलब इतने कम रेंज में अगर ये क्वालिटी में मिल रही है तो ये तो मतलब आउटस्टैंडिंग है भाई बहुत अच्छी वाली डील है तो ये चीज भी मुझे बहुत अच्छी लगी ये भी मुझे लगता है कि बिलो 500 ही था जितना था मुझे याद नहीं है मुझे ये कम से कम 10 दिन बाद रिसीव हुआ है सारा सामान तो ये चीज भी मुझे अच्छी लगी तो ये एक और हुडी है कुबेर का खजाना लग रहा है ये पैकेट लग रहा है एक के बाद एक एक के बाद एक क्या क्या निकले जा रहा है ओके अभी ये कौन सी चीज है ओके ये एक और हुडी है ये भी अच्छा है क्यूट है ये भी ये थोड़ा मोटा है मैंने थोड़ा डार्क कलर मंगाया क्योंकि ठंड गर्मियों में तो बच्चे डार्क कपड़े पहन नहीं सकते तो सर्दियों में थोड़ा डार्क पहनेंगे और गंदा भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है धोने में इजी रहता है और सर्दियों में कपड़े सूखते नहीं है इसलिए मैंने हुडीज बहुत सारे मंगा लिए हैं क्योंकि मैं हर दिन बच्चे को हुडी जो भी पहनाती हूँ मैं अगले दिन ही वॉश कर देती हूँ तो इसकी क्वालिटी तो चेन वगैरह की सबकी बहुत अच्छी है बाकी अंदर का मुझे थोड़ा सा डाउट है कि अंदर धोने के बाद थोड़े से रोंगटे निकल सकते हैं ये तो धोने के बाद ही पता चलेगा तो इसकी भी क्वालिटी अच्छी है यहाँ पे जो है ऊपर की तरफ यहाँ पे कॉटन अंदर लगाया हुआ है और अंदर इस तरफ ये अंदर सा जो वॉर्म जो होता है ना वैसा लगा हुआ है भी मैं आपको इसको भी 10/9 देना चाहूंगी क्योंकि थोड़ा सा डाउट है कि हो सकता है इसके रोंगटे निकल जाए एक बार मैं आपको सारे जो हुडीज हैं उसका एक बार अच्छी तरीके से आपको दिखा दूं ये देखो आप ये ऊपर की तरफ जैसे मैंने बताया था कि कुछ कुछ कपड़े आते हैं जो मुझे लगता है यूज है जैसे ये हुडी इसमें देखो आप दाग लगा हुआ है तो इसको मैं रिटर्न करने वाली हूँ बाकी क्वालिटी तो ठीक था अकॉर्डिंग टू प्राइस यहाँ पे ऊपर कॉटन एक नीचे कपड़ा दे रखा है तो ये चीज़ अच्छा है बाकी ये जो कपड़ा है इस पर मुझे डाउट है कि ये रोंगटे निकल जाएंगे इसके अगर आप ज़्यादा वॉश करेंगे हो सकता है नहीं भी निकले पर मुझे डाउट है कि निकल जाएंगे तो ये ओवरऑल ऐसी सारे जो भी जो इसका मटेरियल है सेम ऐसे ही मटेरियल का सारे हुडीज हैं तो आप देख लो अगर आप लेना चाहते हो तो बाकी प्राइस के अकॉर्डिंगली तो आप इसको ले सकते हो ये सब अच्छा है बाकी इसमें मुझे एक और नेगेटिव पॉइंट लगा कि इसके अंदर ये जो एक थ्रेड सा होता है वो चीज़ भी नहीं है ये अंदर अजीब सा पैटर्न दे रखा है तो मैं ये वाला जो हुडी है उसको रिटर्न करने वाली हूँ इस दाग की वजह से और इस पैटर्न की वजह से ये मुझे पसंद नहीं आया कुबेर के खजाने में से क्या निकलता है देखते हैं ये देखो ना किस तरीके से पैकिंग हुआ ओके पूरा मैस हो गया है मेरे सामने ओके इतने बड़े पन्नी में इतना छोटा सा टी शर्ट प्यारा लगेगा येलो कलर बच्चों के ऊपर इतना प्यारा लगता है ना और ये प्योर कॉटन है इसमें बच्चे को बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगने वाली है और बहुत ही सुंदर थोड़ा सा इसका प्रेस जो है वो खराब हो चुका है थोड़ा मुड़चुड़ सा गया है बाकी क्वालिटी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है और इसका जो प्राइस है वो 399 है पर ये मुझे पड़ा था मुझे इसका बहुत अच्छे से रेट याद है इसका पड़ा था मुझे 140 और ये बहुत ही अच्छा है सुपर्ब है जी 10/10 है ये बहुत अच्छा है हमारा जो कुबेर का खजाना है उसमें एक लास्ट पार्सल बचा है और ये हो गया अब खाली तो ये लास्ट है टी शर्ट ओके ये भी बहुत एक कॉटन सा टी शर्ट है नॉर्मल सा घर में पहनने के लिए या नॉर्मल कॉटन है ये
क्वालिटी तो मतलब कुछ मैच कर ही नहीं सकता। मैंने मिंत्रा, अजियो, ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट, सारे जो वेबसाइट्स हैं सारी जगह से सामान मंगाया है, कपड़े मंगाए हैं, कुछ भी मंगाया है। हर एक वेबसाइट है ना, मुझे ऐसा लगता है कि एक एक चीज के लिए फेमस है। मुझे अजियो में जो लगता है प्लस पॉइंट, सबसे बेस्ट पॉइंट लगता है कि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ये लोग क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो ये मुझे अच्छा लगा। और बच्चों के मामले में क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना भी नहीं चाहिए। तो ये एक टी शर्ट है जो कि बहुत ही प्यारा है। इसका रेट है, इसका जो MRP है लिखा हुआ है 129, पर मुझे लगता है ये 100 रुपीज का मुझे ऐसे मिला था। तो ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, देखो बच्चों पे अच्छे लगते हैं ना ऐसे ड्रेस। तो चलिए यहाँ पे हम अपने वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि बहुत सारे पार्सल्स और भी हैं जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। और ये देखिए सारे कबाड़ मच चुका है। तो यहाँ पे हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। बताइएगा मेरी शॉपिंग कैसी लगी, सबसे अच्छा आपको क्या लगा। अगर कोई ऐसा चीज चाहिए हो, आपको लग रहा हो कि ये आपको मिल नहीं रहा है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो यहाँ पे हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।